जी हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, डेली वोकेब सीरीज का ये हमारा वीडियो नंबर 12 है और जिसमें कि हम वोकेब के मिक्स 10 क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे और 10 क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट वोकेब रिलेवेंट वोकेब यहाँ पे बनती हैं उन सभी वोकेब को यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। तो आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर कर पाते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और थोड़ा सा वीडियो यदि शेयर करोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्नोम आपको बताना है टायरनी। टायरनी का आपको यहाँ पे स्नोम यानी कि पर्यायवाची बताना है। तो देखिए, टायरनी क्या होता है? टायरनी होता है अत्याचार, उत्पीड़न यानी कि क्रूरता। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्रुएल्टी, जो कि यहाँ पे इसका स्नोम हो जाएगा। तो देखिए, इसी के दो इम्पोर्टेंट स्नोम्स और भी हैं, उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो है आपका परसिक्यूट, PERSECUTE। तो आप मीनिंग्स को देख लिया कीजिए, क्योंकि हैंडराइटिंग थोड़ी सी मेरा ज़्यादा ठीक नहीं है। परसिक्यूट, PERSECUTE, परसिक्यूट यानी कि सताना, परेशान करना, अत्याचार करना। एक इम्पोर्टेंट वर्ड और है ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन। टायरनी, ऑपरेशन, क्रुएल्टी तथा यहाँ पे परसिक्यूट, ये चार इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। सताना, परेशान करना, मतलब किसी को क्या करना, मतलब अत्याचार करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? मिसरूल यानी कि अराजकता। ऑप्शन नंबर बी में है पावर, शक्ति, मैडनेस, पागलपन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वर्थ। वर्थ का आपको यहाँ पे स्नोम बताना है। सो यहाँ पे क्या दिया है? WRETH, वर्थ होता है क्रोध, गुस्सा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है एंगर। एंगर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है जीलियसी। तो जीलियसी होती है मतलब ईर्ष्या भावना किसी से। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है घृणा करना, हैटर्ड, वोयलेंस यानी कि हिंसा। तो देखिए, जीलेसी और एक वर्ड और है आपका एनवी, ENVY, इसका भी मतलब होता है किसी से ईर्ष्या भावना रखना। तो इन दोनों के साथ ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जीलियस ऑफ, एनवी ऑफ समवन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड। तो ऐसे लेटर को बताने के लिए यूज किया जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है पोस्ट यानी कि पद। ऑप्शन नंबर सी में है कोरिजेंडम यानी कि संशोधन। संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है कोरिजेंडम। और ऑप्शन नंबर डी में है असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है सौंपा गया कार्य यानी कि किसी को कार्य दिया गया है, जैसे कि होमवर्क। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर है और यहाँ पे भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। यानी कि एक मतलब मजबूत दुश्मनी दो लोगों के बीच में, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक यानी कि नफरत की भावना या फिर दुश्मनी दोनों के बीच। तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए सही यूज है यहाँ पे, एप्रोप्रिएट जो वर्ड दिया है वो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होती है दुश्मनी, शत्रुता। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अपेथी। अपेथी होती है उदासीनता। हैटर्ड होता है घृणा करना। एंटीपेथी होती है, इसका भी मतलब है घृणा करना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिफ्थ है और यहाँ पे भी अपोजिट यानी कि एंटोम बताना है। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का आपको यहाँ पे एंटोम बताना है। तो देखिए, ऑटोनोमी क्या होता है? ऑटोनोमी होता है स्वय शासन यानी कि स्वयं का शासन, स्वयं का अधिकार। जबकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है डिपेंडेंस यानी कि दूसरे पे निर्भरता, किसी पे निर्भर होना, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है सबमिसिवनेस यानी कि दब्बूपन। और ऑप्शन नंबर डी सी में दिया है सबोर्डिनेशन यानी कि किसी के अधीनस्थ, अधीनस्थ को बोलते हैं यानी कि नीचे काम करने वाले अधिकारी या वर्कर, सबोर्डिनेट। और ऑप्शन नंबर डी में है स्लेवरी। स्लेवरी होता है गुलामी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है और क्वेश्चन क्या है? अपोजिट बताना है रिसिड, RECEDE, रिसिड। रिसिड होता है पीछे की तरफ लौटना यानी कि पीछे जाना। जबकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है एडवांस
यानी कि आगे की तरफ बढ़ना, अग्रिम। तो ये एक दोनों एक दूसरे के एंटोम्स हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रस, रस होता है भीड़। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अप्रोच, अप्रोच यानी कि पहुंच। ऑप्शन नंबर डी में है फॉरवर्ड, आगे प्रेषित करना, आगे बढ़ाना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पे भी आपको ईडियम फ्रेज बतानी है। तो यहाँ पे ईडियम बतानी है ऑल अगोग। ऑल अगोग क्या होता है? तो ऑल अगोग होता है रेस्टलेस, यानी कि बेचैन, रेस्टलेस। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन क्या है? ईडियम एंड फ्रेज आपको बतानी है। क्वेश्चन क्या है? टू फ्रेम ए पर्सन। तो देखिए यहाँ पे फ्रेम करने से मतलब किसी को मतलब सजाना या कुछ अच्छा बनाना नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे किसी को अपीयर गिल्टी दिखाना, यानी कि टू मेक समवन अपीयर गिल्टी, यानी कि किसी को गलत तरीके से दिखाना या उसके बारे में बातें करना, टू मेक वंस अपीयर गिल्टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू फ्रेम ए पर्सन टू मेक वंस अपीयर गिल्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड क्या है? इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस की आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए दी गई ऑप्शंस में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ई डबल एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन सी ई, ई डबल एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन सी ई, इफ्लोरेसेंस यानी कि फलना फूलना, इफ्लोरेसेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इफ्लोरेसेंस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको अपना जो स्कोर है वो कमेंट करना है कि कितना स्कोर हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्टेज। मोस्टेज की आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से मोस्टेज की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपकी एम ओ यू एस टी ए सी एच ई, मोस्टेज यानी कि मूछे, मोस्टेज होती है मूछ। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है एम ओ यू एस टी ए सी एच ई, मोस्टेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, बिकॉज इंग्लिश आर इज इक्वल इन एनी कम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो डू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम, बिकॉज इंग्लिश इज ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज ओमनी प्रजेंट इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो आई थिंक यू विल शेयर। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।